सच में मम्मा इतना फिश है? होगी ना गुन्नो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और इस बार जब भैया भाभी आए ना, हम लोगों ने खूब मस्ती की, खूब मज़े किए और खूब घूमे हम लोग। और जैसा कि मुझे और मेरे हस्बैंड को, दोनों को नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है, प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्यार है, वैसे ही भैया भाभी का भी है। भैया भाभी को भी नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है। वो लोग लखनऊ में रहते हैं, तो लखनऊ आपको पता है बहुत ही पॉश एरिया है, तो मतलब हमेशा गाड़ियों की आवाज़ें सुनने को मिलती है। तो भैया भाभी को यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो इस ब्लॉग में मैं आपको बहुत सारी ऐसी जगह दिखाने वाली हूँ फ्रेंड्स, जहाँ आप इमेजिन नहीं कर सकते कि पुणे में ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप जा सकते हो और प्रकृति का मज़ा ले सकते हो, और फ़ोटोशूट और पिक्चर कैप्चर करने के लिए तो बहुत अच्छी अच्छी जगह है। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिए। मैं आपसे इस ब्लॉग में भी और नेक्स्ट आने वाले ब्लॉग में भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। बैठो बैठो, बहुत मज़ा आ रहा है। भी निकलेंगे आपको ऐसे ही सुंदर वादियाँ देखने को मिलेंगे। नदी
एक्चुअली हम जब भी बाहर निकलते हैं ना, हम कुछ सोच करके नहीं निकलते कि हमें कहाँ जाना है, बस हम निकल पड़ते हैं और नई नई चीज़ों को ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। तो ऐसे ही आज के दिन भी हुआ, हम बस तलेगांव से निकले ही थे और फिर तलेगांव में ही इनकी कंपनी के पीछे एक डैम है, वहाँ गए और फिर वहाँ से हम बस आगे ही चलते जा रहे थे। तब तक कोई पता नहीं था कि हम कहाँ जाने वाले हैं और क्या करने वाले हैं, कुछ भी पता नहीं था। बट रास्ते में जहाँ हमें रोड लेकर के जा रही थी, हम बस उसके साथ साथ चल रहे थे और जहाँ भी हमें अच्छे सीन नज़र आते हम वहाँ पे उतर जाते और बहुत सारे वीडियोस और फ़ोटो वगैरह हम लोग लेने के लिए उतर जाते थे। तो ऐसे ही बहुत ऐसी ऐसी जगह पे हैं, हमें ऐसी ऐसी जगह मिली जहाँ पे आप इमेजिन नहीं कर सकते, इतनी खूबसूरत जगह थी कि क्या बोलते हैं उसे, कश्मीर का जो जन्नत जो कहते हैं, तो कश्मीर तो जन्नत है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट हमारा पुणे भी कुछ कम नहीं है, अगर आप आगे का सीन देखें। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ। लो काकीबा फूल लो लो फोटो खींचो। वो खूबसूरत सी जगह जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी, बहुत ही सुंदर सीन है यहाँ पे। आप थोड़ा ध्यान से और बहुत प्यार से देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। ये है एक्चुअल सीन जो मैंने ये वीडियो में कैप्चर किया था, इतना सुंदर व्यू था आप इमेजिन नहीं कर सकते। जब आप एक्चुअल में जाएंगे इस जगह पर, आपको बहुत अच्छा लगेगा और मैं अगले व्लॉग में जगह का नाम ज़रूर बताऊँगी आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।